कन्नौज मामले में बलात्कार की धाराएं जोड़ी गई हैं। नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाए हैं। नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने बलात्कार का आरोप लगाया है। नाबालिग की बुआ पर भी पॉस्को एक्ट में FIR दर्ज की गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाबालिग की बुआ पर भी पॉस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज कर दी गई है। और इसके अलावा मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने अपने बयान दर्ज करवाए हैं, जिसके बाद अब कुछ धाराएं और भी बढ़ा दी गई हैं पूरे मामले को लेकर। तो बलात्कार की धाराएं जोड़ी गई हैं, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। उधर नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी के दौरान मौजूद महिला यानी कि आरोप लगाने वाली नाबालिग की बुआ का बयान भी सामने आया। नाबालिग की बुआ ने लड़की पर किसी के बहकावे में आकर नवाब सिंह को फंसाने की बात कही है। भैया से बैठ के मैं बात कर रही थी और लड़की ने बोला कि मेरे को मोबाइल दे दीजिए 2 मिनट के लिए, मैं मम्मी से बात करूंगी। तो मैंने उसको फोन दे दिया था और मैं चेयर पे बैठ के उनसे बात करने लगी। अब कैसे उसने 100 नंबर पे कॉल कर दिया पता नहीं। तो क्या मानसिक तौर से कुछ बीमार है बच्ची क्या? वो किसी के बहकाने में तो आ जाती है, अगर कोई उसे मोबाइल वगैरह चलाने को दे दे या उससे प्यार से को पेश आता है कोई भी, तो वो बहुत जल्दी भड़काने में आती है। तो जैसे कह रहे हैं बच्ची जो है किसी के भड़काने, किसने भड़का दिया, किसने ऐसा कर दिया? देखिए किसी का कुछ नहीं कह सकते हैं कि 3-4 लोग हैं जो मैं बता रही हूँ कि सपा पार्टी से ही है, ठीक है, और वो पंडित है। और समय आने पे मैं उनके नाम आपको क्लियर कर दूंगी, जब आवश्यकता जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगी। कन्नौज में बलात्कार कांड का आरोपी नवाब यादव से सियासी कनेक्शन अब नेताओं की टेंशन बढ़ा चुका है। समाजवादी पार्टी नवाब यादव से पलड़ा झाड़ चुकी है और किसी भी सियासी कनेक्शन से मुंह मोड़ चुकी है। तो वहीं बीजेपी लड़कों से गलती हो जाती है वाले बयान का हवाला देकर यूपी के 2 लड़कों से सवाल पूछ रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में मोईद और कन्नौज में नवाब, ये समाजवादी पार्टी के वो जनाब हैं जिस पर रेप और रेप की कोशिश का आरोप है। लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। ये वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिसे पार्टी पहचानने से भी इनकार कर रही है। जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है वो समाजवादी पार्टी से बहुत दिन से असंतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेता, वहाँ के पूर्व सांसद, उन सबसे बहुत अच्छी मित्रता और व्यवहार है। अब समाजवादी पार्टी के नवाब की करतूत में बारी एक्शन की है। योगी साफ साफ कह चुके हैं जो गलत करेगा उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। याद रखना, कितना भी कोई व्यक्ति चालाकी दिखाए, अगर वह गलत है तो गलत का पर्दाफाश एक दिन होगा जरूर। कोई दुनिया की ताकत उसको बचा नहीं सकती है। समाजवादी पार्टी के नेता पर लगे रेप की कोशिश के आरोप में अब बीजेपी की तरफ से जुबानी हमले हो रहे हैं। पार्टी और पार्टी अध्यक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है और आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है। समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने ये तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है, उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है उसको वो दर्शाता है। जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का DNA ही गुंडई, अराजकता, बहु बेटी की इज्जत आबरू को खतरे में डालने वाले लोगों को प्रमोट करने का है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को दिलाएंगे। बैक टू बैक 2 जघन्य अपराध में सपा नेता का नाम पार्टी को बैकफुट पर ला चुकी है। मोईद खान पर जब गैंग रेप का आरोप लगा तो पार्टी ने DNA टेस्ट की मांग कर दी थी। वहीं नवाब यादव पर रेप की कोशिश के बाद सपा पार्टी का नेता बताने से उसे इनकार कर रही है।
मोहित खान अब तक पार्टी में शामिल है, वहीं नवाब यादव को पहले ही सपा से निकालने की बात हो रही है। मोहित खान को लेकर पार्टी ने फंसाने का आरोप लगाया था, तो वहीं नवाब यादव के केस में पार्टी को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगा रही है। यानी अयोध्या टू कन्नौज समाजवादी के पास कुछ बचा है तो वो है सिर्फ सफाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुलिस उनके साथ है, पास है, जो न्याय संगत कार्रवाई है, नियमानुसार कार्रवाई है, वो भारतीय जनता पार्टी को करनी है। समाजवादी पार्टी को घेरने का क्या मतलब है? क्या एडवांस में कुछ लिखा है? क्या उस पर पहले से कोई मुकदमा है? जिसने जो किया है उसको वो कानूनी रूप से फेस करेगा। अगर किसी को गलत भारतीय जनता पार्टी फंसाती है तो हम जरूर आवाज उठाते हैं। लेकिन इस घटना के बाद यूपी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आरोपी नवाब यादव के स्कूल से फॉरेंसिक टीम साक्ष्य भी जुटा रही है। तो क्या अब कन्नौज में भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है? क्योंकि जिस तरह अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी मोहित के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ, कुछ ऐसी ही मांग अब कन्नौज के नवाब यादव के खिलाफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजू खाने का सर्वे एएसआई से कराए जाने की मांग की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज होने वाली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा। इसके बाद भी याचिकाकर्ता को मुस्लिम पक्ष के जवाब पर अपना पक्ष रखना होगा। श्रृंगार गौरी केस की मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि जिस तरह से ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे किया गया है, उसी तरह से सील वजू खाने का भी सर्वे किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि करीब 2 साल पहले कथित शिवलिंग मिलने के बाद में पूरे वजूखाने को सील कर दिया गया था। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होगी। कुशीनगर में एनकाउंटर में 25,000 का इनामी पशु तस्कर घायल हो गया। आरोपी पशु तस्कर बिहार के गोपालगंज जिले का रहने वाला है और उसके पास से अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और साथ ही बाइक भी बरामद की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि एनकाउंटर हुआ था और नहर के पास ही एनकाउंटर हुआ, जिसकी ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जिसके बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ये बदमाश महिलाओं से लूट और छिनैती के केस में वांटेड थे और इनके कब्जे से लूटी हुई ज्वेलरी, अवैध हथियार और साथ ही चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। थाना भोजपुर क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ। मथुरा में भी एनकाउंटर हुआ है। यहां पर एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली लगी है और पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से एक आर्टिगा कार और साथ ही 25,000 रुपए नगद, सोने चांदी के आभूषण और हथियार भी बरामद किए गए। पकड़े गए सभी 6 बदमाश आगरा के पिनाहट के रहने वाले हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर थाना बलदेव के दौलतपुर अंडरपास में ये एनकाउंटर हुआ। अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं एनकाउंटर की। मथुरा में एनकाउंटर हुआ है और आगरा में भी एनकाउंटर हुआ है और उसके साथ ही गाजियाबाद की तस्वीरें भी आपके सामने। कुशीनगर, गाजियाबाद और ये मथुरा की 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद में पुलिस ने सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ১৯৪৭ में देश के बंटवारे को लेकर बीजेपी आज जगह जगह विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है। इस मौके पर सीएम योगी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी लोकभवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होंगे और इस मौके पर कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा और साथी ब्रजेश पाठक वाराणसी में बैठक में शामिल होंगे। अयोध्या में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में पहुंचेंगे और बीजेपी गोष्ठियों के जरिए देश के विभाजन पर चर्चा करते हुए राष्ट्र की एकता अखंडता पर जोर दी जाएगी और लोगों को उनका कर्तव्य भी याद दिलाया जाएगा।